बैक टू बैक टू ऑसम, मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो एक छोटी सी घंटी लगी है उसे प्रेस करके आप मेरे साथ नोटिफिकेशन में बने रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे, जिसकी आईडी अभी आपको नीचे शो हो जाएगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आप नेचुरल अपने बालों को बर्गंडी कलर कैसे दें, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बालों पे केमिकल नहीं लगा सकते हैं या उन्हें कलर लगाना पसंद नहीं होता है, और कभी कभी ये मेडिकल पर्पज से भी कुछ लोगों के लिए फायदा नहीं देता है। उनको स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा इचनेस होने लगती है, इसीलिए वो अगर लगा सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड आज मैं इसका एक नेचुरल मेथड लेके आई हूँ कि बिल्कुल नेचुरली आप अपने बालों को बर्गंडी कलर कैसे दें। बट इस मेथड के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फ्रेंड्स ये कोई केमिकल नहीं है, इसलिए केवल एक यूज में आपको इसमें इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। मिनिमम 3 to 4 बार जब आप इस चीज को लगाएंगे उसके बाद आपको इसका एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इस मेथड को फॉलो करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो आप सोचिए आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, तो ये बिल्कुल इंस्टेंट नहीं मिलेगा क्योंकि एक नेचुरल वे है। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि ये 3 to 4 जब आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद ही इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक मीडियम आकार का चुकंदर चाहिए और आपको मेहंदी चाहिए। कोई भी कलर वाली मेहंदी आप मत यूज़ करिएगा, जो नॉर्मल मेहंदी आती है आप वही यूज़ करिएगा। और आपको जैतून का तेल चाहिए। अगर आप जैतून का तेल नहीं प्रेफर करना चाहते हैं तो आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैतून का तेल ठंड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चुकंदर को ग्रेट करना है क्योंकि हमें इसका रस चाहिए। तो आप इसे चाहे ग्रेट करिए या मिक्सी में पीस लीजिए, लेकिन ग्रेट करके इसका रस लेना ज़्यादा इजी होगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से ग्रेट करके स्ट्रेनर की हेल्प से इसके रस को सेपरेट कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है, उसके बाद मैं स्ट्रेनर की हेल्प से इसके रस को सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसका सारा रस निकाल लिया है। इसके बाद आपको किसी लोहे के बर्तन में मेहंदी डालनी है, जो मेहंदी मैंने ली है पैकेट में। तो कोशिश करिएगा कि आप लोहे का बर्तन ही यूज़ करें, इससे जो है लोहे के सारे एक्सट्रैक्ट उस मेहंदी में आएंगे तो आपका जो कलर आएगा वो बहुत ही बालों का अच्छा कलर आएगा। तो इसके मैं यहाँ पे लोहे के बर्तन यूज़ करी हूँ। उसके बाद आपको इसमें चुकंदर का रस डाल के इस मेहंदी को रात भर के लिए रख देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कलर मेहंदी नहीं यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल मेहंदी यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसे रात भर रखूँगी, तभी इसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप इसे ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दें। ये देखिए, रात भर भीगने के बाद ये ऐसी हो गई है। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था क्योंकि इसमें अभी मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगी, तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में और जाएगी। तो यहाँ पे लगभग आपको 1 टेबल स्पून जैतून का तेल डालना है। अगर आप जैतून का तेल नहीं प्रेफर करना चाहते हैं तो आप नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने हेयर्स में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप मेहंदी लगाते हैं तो उसके बाद आपके हेयर्स थोड़े फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, छूने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए उसका सलूशन यही है कि आप एक तो ऑयल डालिए, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, और ग्लिसरीन डालिए, क्योंकि ग्लिसरीन आपके बालों को एक ग्लॉसी लुक देगी। तो 1 टेबल स्पून मैं ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ, तो आपके बाल बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं होंगे। तो अब ये एप्लीकेशन के लिए रेडी है। बहुत अच्छे से इसको फैट लीजिएगा सब कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करके। तो ये देखिए, ये ऐसे फॉर्म में होना चाहिए जो बिल्कुल भी आपके हेयर्स में रनिंग। तो अब अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड करते हुए आपको लगाना है। मैंने यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ किया है क्योंकि जो मेहंदी है वो नेल्स के अंदर ना जाए, इसीलिए मैंने ग्लव्स यूज़ किया है। तो आप अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड करते हुए अपने सारे हेयर्स में से अप्लाई करिए।
आपको आगे और पीछे जहाँ भी आपको ये कलर चाहिए आप इस को लगाइए और इसका एक टाइट सा जोड़ा बना लीजिए और आपको इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे अपने बालों पे रखना है। उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए और फिर अच्छे से ऑयलिंग करिए। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय।